हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉक फ्लाइंग व्लॉग्स। और एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है गाइस। तो आज मैं आया हूं आप लोगों को एक और एक नया व्लॉग लेके आप लोगों के लिए नई जगह पे। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है नेशनल रेल म्यूज़ियम। तो आज हम घूमने वाले हैं नेशनल रेल म्यूज़ियम और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो राइड्स वगैरह हैं या रेलवे की इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इसके टिकट प्राइस, लोकेशन और सारी चीज़ों के बारे में। और बता देते हैं इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन जो पड़ती है वो है चाणक्यपुरी, और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है मोतीबाग। और अगर आप लोग अपने व्हीकल से या कन्वीनियंस से आना चाहें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दे रहा हूँ, तो उससे आप लोग आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसके टिकट प्राइस वगैरह क्या क्या रहने वाले हैं और कौन कौन सी राइड रहने वाली है। तो गाइज़ ये है पार्किंग एरिया जहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर की पार्किंग अवेलेबल है, फैसिलिटीज़। और इसके चार्जेस वगैरह जो है वो पर आवर के अकॉर्डिंग है, जब आप आएंगे तो उस चीज़ को देख सकते हैं। बाइक का 10 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग है। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ टिकट की प्राइस और टाइमिंग वगैरह इसकी जो रहने वाली है। तो 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस है, उसके बाद में ये एक्टिविटीज़ हैं, जॉय ट्रेन, और ये हैं चार्ज। तो पर पर्सन चार्ज 50 रुपीज़ का पड़ने वाला है वीकडेज में, और वीकेंड्स में ये 100 रुपीज़ के चार्ज है। और टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग आप लोगों को 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहने वाली है टाइमिंग। लास्ट एंट्री 4:30 बजे की है। सो फाइनली गाइस ले लिए टिकट। तो ये कुछ इस टाइप का ये है टिकट, ये है एंट्रेंस का, और इसके अंदर जो जॉय ट्रेन जो है एक राइड है छोटी सी, ये उसका टिकट है। तो कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं टिकट। तो गाइज़ एंट्री करने के बाद में आप लोगों को कुछ ये दिखाई देता है रेलवे म्यूज़ियम गाइड मैप, जिसमें कि सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, शो कर रखी हैं। और हम इस टाइम पे हैं यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं, अंदर चलते हैं। तो गाइज़ एंट्री करने के बाद में आप देख सकते हैं ये है नीलगिरी कोच, जो कि बना हुआ लकड़ी से, लकड़ी का पूरा फ्रेम बना हुआ है। सो गाइज़ ये है F734। तो कोई आज के टाइम में एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस टाइप की ट्रेन्स कभी चलती रही होंगी। तो ये हमारी धरोवर्स हैं जो आज भी संभाल के रखी हुई हैं रेल म्यूज़ियम में, कि किस टाइप की रेल्स या रेल युग आया होगा। कब बना हुआ है ये इंजन, अजमेर वर्कशॉप का। तो गाइज यहाँ पे बना रखा है रेलवे का मॉड्यूल, जो शेड होता है जहाँ पे रेल का जो रिपेयरिंग वगैरह या मैकेनिकल काम जहाँ पे किया जाता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना रखा है रेलवे का, डिक टू जैसे लाइंस वगैरह बिछी हुई हैं रेलवे की। और ये देख सकते हैं आप, ये दिल्ली का ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन बना रखा है, एक मॉडल बना रखा है उसका। और ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन का मॉडल। सो गाइज अभी चल रही है रेल म्यूज़ियम की वीडियो, आप लोग देख रहे हैं एक से एक मॉडल और एक से एक पुराने जो इंजन्स वगैरह थे रेल के, रेलवे इंजन्स वगैरह जो स्टीम से और कोयले से चलते थे, वो सारे मॉडल्स वगैरह यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ओल्ड ओल्ड जो ट्रेन्स थी या इंजन्स थे या लोग, जब रेलवे स्टार्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग से लेके और अभी तक का जो ट्रैवल किया है, जो जर्नी किया, जो सफ़र किया है रेलवे ने, जो तो गाइज ये है खूबसूरत सा इंजन 77B 1917 का मॉडल। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसे मेंटेन करके रेलवे ने रख रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि घूमने वालों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, और सब अपने अपने टाइम के ऐसे इंजन हैं जो रेलवे को सेवा दे चुके हैं और उसके बाद में आज ये खड़े हैं और इसकी शान बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज ये आप देख रहे हैं, ये जो मॉडल है ये आप लोगों को बेसिकली पता होगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली जो मैं बता दूं आप लोगों को, तो ये इंजन या कोचिस को रोटेट करने के लिए, उनकी साइड चेंज करने के लिए या फेस चेंज करने के लिए कह सकते हैं,
उसके लिए यूज़ किया जाता है जो बना हुआ है यहाँ पे मॉडल इसका। तो गाइज़ यहाँ पे जो एक टॉय ट्रेन चलती है उसका एक मॉडल बना रखा है जो कि रियलिस्टिक पूरा लगता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन जो बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो है, और ये सामने बना हुआ है स्टेशन। तो ये है बीकानेर स्टेशन, और बाकी ट्रेनें जो हैं वो लगी हुई हैं, जो ना चलने वाली वो इधर लगी हुई हैं, बाकी टॉय ट्रेन जो चलती है वो यहाँ पे चलती है। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ नेशनल रेल म्यूज़ियम की, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स जो हैं रेल के और जो रेलवेज़ के रखे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर से बच्चों के लिए या हम बड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है, जिससे कि हम सारी चीज़ों के बारे में, रेलवेज़ के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा बड़ा तो खैर नहीं है, बट ये है कि एक घंटे के अंदर अंदर आप इसे सारा घूम सकते हैं। और इसके अंदर अभी एक राइड है जो है जॉय राइड, तो वो अभी मैं करने वाला हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसके अंदर बनी हुई है एक गैलरी जिसके अंदर सारी चीज़ें एक मॉडल के अंदर दिखाई गई हैं, जो भी इसका रेलवे का जो भी अपग्रेड हुआ है वो सारी चीज़ें मॉडल्स दिखाए गए हैं। तो मैं वो अभी गैलरी जो है वो बहुत ही शानदार बनाई हुई है, तो अभी मैं चलूँगा गैलरी के अंदर और दिखाऊँगा आप लोगों को। तो अभी मैं घूम रहा हूँ पूरा रेल म्यूज़ियम। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा है ये वीडियो, और वीडियो को शेयर करें। तो गाइज ये है रेलवे की क्रेन जो कि ओल्ड है बट कितनी ह्यूज है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ह्यूज एरिया है रेल म्यूज़ियम का, और रेल्स के बारे में तो क्या ही बताऊँ, जितना बताओ उतना कम है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो गाइज़ ये आप देख रहे हैं, खूबसूरत है मेरे सामने फ्योनिक्स इंजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और कंडीशन इसकी आज भी बहुत अच्छी है, बट पीछे वाले की कंडीशन अच्छी नहीं है इसकी, बट इसकी कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। और इसके व्हील देखो कितने ह्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग घूम रहे हैं पूरा रेल म्यूज़ियम, और आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं जो वो है कैफेटेरिया। सो ऑफिशियली रेलवे का कैफेटेरिया जो है वो ये है, बिकॉज बाहर का खाना जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप लोगों को कुछ खाना है तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं। और अभी ये स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज पहले शायद स्टार्ट नहीं था, बट अभी ये स्टार्ट हो चुका है कैफेटेरिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया इन लोगों ने। और अभी हम लोग जाने वाले हैं जॉय स्टेशन, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जॉय स्टेशन और इसकी राइड्स वगैरह जो है टाइमिंग के। वो 14 राइड्स होती हैं इसकी, जो 7 राइड्स जो है लंच से पहले होती है, और 7 राइड्स जो होती हैं वो लंच के बाद होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बोर्ड पे, और दिखाता हूँ इसका स्टेशन जो बना हुआ जॉय राइड। तो गाइज आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं जो है जॉय जंक्शन, जो कि जॉय ट्रेन जो चलती है उसका बेसिकली स्टेशन है। तो मेरे पीछे ये पूरा है स्टेशन, और थोड़ी
तो गाइज अभी हमने करी जॉय ट्रेन राइड और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं जो है नेशनल रेल म्यूजियम गैलरी। तो इस गैलरी के अंदर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, तो अब हम देखने वाले हैं ये अंदर चल के। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वो सारी चीजें क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे अंदर रखी गई हैं। तो गाइज ये है एक नया नया मॉड्यूल जो कि अभी ज़्यादा चर्चा का विषय है, इसे आप लोग देख के पहचान गए होंगे बिकॉज ये वंदे भारत एक्सप्रेस का मॉडल है जो कि बहुत ही जल्द इंडिया के सारी स्टेटों में चल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रखी है। और ये हैं रेलवे के ओल्ड सिग्नल्स वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, एक नई और अट्रैक्टिव चीज आर्ट गैलरी। यह है बुलेट ट्रेन का मॉडल, फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। कब तक आएगी अभी पता नहीं, बट मॉडल तो यहाँ पे आ ही गया है। कलर फोटोग्राफी और इसे डिज़ाइन करके लगाया गया है गैलरी में बहुत ही सुंदर तरीके से। तो गाइज अब आप देख रहे हैं मेरे सामने एक एंटीक चीज़, जॉन मॉरिस फायर इंजन 1914 का है ये, 1914 का। सो फाइनली गाइज नेशनल रेल म्यूजियम कर लिया कवर। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लोकेशन पर। अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और जय हिंद।